हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं एक आर्मी ऑफिसर गणेश हांसडा के पोर्ट्रेट को ड्रॉ करूंगी बाय यूजिंग ग्रिड मेथड। सो जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने ग्रिड ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। तो मैंने वर्टिकली 7 बॉक्स ड्रॉ किया एंड हॉरिजॉन्टली 11 बॉक्स ड्रॉ किया है। सो हमारा हर बॉक्स 2 सेंटीमीटर का होगा, जिसे मैंने मेजर करके ड्रॉ कर लिया है ग्रिड। अब हम इस पर आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आई को ड्रॉ करेंगे। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा फर्स्ट आई है वो कौन से बॉक्स में है। तो हमारा जो फर्स्ट आई है वो हमारा हॉरिजॉन्टली 4th बॉक्स में है एंड वर्टिकली 3rd एंड 4th बॉक्स में है। सो जब आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर लो कि आपका वो आईज जो पार्ट आप ड्रॉ करें वो कौन से बॉक्स में है, तो आपको एक चीज़ और ऑब्जर्व करना है कि वो बॉक्स में कितना पार्ट आपका कौन से बॉक्स में है, आपको वो भी ऑब्जर्व करना है और तब ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट आई को ड्रॉ करूँगी। तो आप ये पूरी वीडियो कंटिन्यू वॉच करिए और अच्छे से ऑब्जर्व करिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। सो ग्रिड मेथड की हेल्प से ना आप कोई भी पोर्ट्रेट को बहुत एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हो, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स जिनको पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम फेस होता है। आप ग्रिड मेथड की हेल्प लो, आप उससे बहुत अच्छा ड्रॉ करना सीख जाओगे, आपका हर एक फीचर्स जो है वो एक्यूरेट ड्रॉ होगा। सो जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं फर्स्ट आई को ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत स्लोली ड्रॉ करना है, इसमें कुछ हड़बड़ाना नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फीचर्स आप फेस का ड्रॉ कर रहे हो वो आपका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रिड मेथड का भी यूज़ करते हो ना, तो आपको नोज़, आईज, लिप्स, ये सब जो होता है ना, वो आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। जब तक आपको नहीं पता होगा कि आईज को कैसे ड्रॉ करते हैं, व्हाट आर द शेप्स ऑफ द लिप्स नोज़, तब तक आपको ग्रिड मेथड की हेल्प से भी आप अच्छा से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप आईज़, नोज़, लिप्स, ये इन सबको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर उससे जिस एंगल में वो मूव हुआ है उसी एंगल में आप ड्रॉ करो, तब आप बहुत अच्छा से पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर पाओगे। सो जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरा फर्स्ट आई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो ग्रिड मेथड में ना आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। जब आप ड्रॉ करना शुरू करो ना, बस अपने पिक्चर्स को देखो कि कौन सा पार्ट, कौन सा लाइन कहाँ पे है, कौन से बॉक्स में है और कितना है, बस आपको यही ऑब्जर्व करना होता है और आप ड्रॉ करो, आप बहुत ईजिली ड्रॉ कर पाओगे। सो हमारा फर्स्ट आई कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे आईब्रोज को ड्रॉ कर रही हूँ। सो जो हमारा आईब्रोज है वो हमारा 3rd बॉक्स में है, तो उसे भी मैं ऑब्जर्व करके मैंने ड्रॉ कर लिया है। सो अब हम यहाँ पे नोज़ को ड्रॉ करेंगे। नोज़ को ड्रॉ करने के लिए हमें ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा नोज़ का पार्ट है वो कौन कौन से बॉक्स में है। सो हॉरिजॉन्टली वो 5th बॉक्स में है एंड वर्टिकली 4th एंड 5th बॉक्स में हमें ड्रॉ करना है। तो जब ये ऑब्जर्व हो जाएगा तब हम देखेंगे कि जो नोज़ है वो हमारा 5th बॉक्स में अपर साइड में है, मिडिल में है या लोअर साइड में है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो जो हमारा नोज़ है वो हमारा 5th बॉक्स का जो लाइनिंग है ना टॉप का, उससे जस्ट थोड़ा नीचे है, तो हम वो ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसे ड्रॉ करेंगे। सो हमारा नोज़ का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे सेकेंड आई को ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंड आई को ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट आई का जो कॉर्नर है, आई का कॉर्नर, वो कहाँ पे है, उसको ऑब्जर्व करके हम वहीं से सेकेंड आई का कॉर्नर शुरू करेंगे, उसके बाद उससे हम ड्रॉ करेंगे। तो जब हमारा आईज़, नोज़ ड्रॉ हो जाएगा, फिर हम लिप्स को ड्रॉ करेंगे। स्टेप बाई स्टेप हमें ड्रॉ करना है। आप जिस चीज़ में कम्फर्टेबल हो आप पहले उसे ड्रॉ करो। सो हमारा आईज़ और नोज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे लिप्स को ड्रॉ करेंगे और लिप्स को ड्रॉ करने के लिए आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि जो आपका लिप्स का जो मिडिल लाइन है ना, वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, आप पहले वो ऑब्जर्व करो, उसके बाद उस मिडिल लाइन को ड्रॉ करो। जब आप मिडिल लाइन को ड्रॉ कर लोगे ना, तो आप बहुत ईजिली जो बाकी लिप्स का स्ट्रक्चर है आप बहुत ईजिली उसे ड्रॉ कर पाओगे। सोचो हमारा जो मिडिल लाइन है लिप्स का, वो हमारा हॉरिजॉन्टली 5th बॉक्स में एंड वर्टिकली 4th और 5th बॉक्स में है, तो उसे हम अभी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम मिडिल लाइन को ड्रॉ करेंगे।
करेंगे, उसके बाद हम उससे लिप्स का जो बाकी का स्ट्रक्चर है हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी एक पोर्ट्रेट जो है वो पूरा डिपेंड करता है आपके तीन स्ट्रक्चर पे, आइज़, नोज़ और लिप्स के स्ट्रक्चर पे। जब आप ये तीन स्ट्रक्चर प्रॉपरली ड्रॉ कर लोगे ना तो आपका रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आ जाएगा, उससे बाकी का पार्ट को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो जब आप ये तीन पार्ट को ड्रॉ करो ना तो काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना और उससे फिर ड्रॉ करना कौन सा पार्ट कितने बॉक्स में है, कितना कंज्यूम कर रहा है वो बॉक्स, वो सब चीज़ को ऑब्जर्व करके आप ड्रॉ करो। सो हमारा आइज़, नोज़ और लिप्स कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे फेस का जो आउटर लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो उसे ड्रॉ करने के लिए आपको एक जो स्पॉट है वो आपको डिसाइड कर लेना कि आपको यहाँ से आपका आउटर शेप को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फिफ्थ बॉक्स से मैं स्टार्ट करूँगी जहाँ पे हमारा ईयर है। सो हम वहाँ पे से शुरू करेंगे और आपको बस अपने हैंड को आगे मूव करते जाना है और अपने पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करते हुए कि वो जो लाइनिंग है वो कौन से बॉक्स में जा रहा है, कैसे टर्न हो रहा है और कहाँ पे वो लाइनिंग कट कर रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आप अपने हैंड को मूव करते जाओ और बाकी का स्ट्रक्चर आपका जो है ना वो पूरा बहुत एक्यूरेटली ड्रॉ हो जाएगा। सो हमारा जो आउटलाइन है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं यहाँ पे शर्ट पे वर्क कर रही हूँ। सो ये इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट जो हमारा प्रिंट है वो एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ होना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करना है तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और उसे ड्रॉ करो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई अपकमिंग वीडियो। ये पार्ट वन है, पार्ट टू मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।